तो जैसे आज उन्होंने मतलब आपकी आपका पर्चा भी बना, क्या बताया? उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आपके बिजनेस के लिए, या मुझे जो भी जैसे थी मेरी शादी से लेके, मुझे सब तरह से उन्होंने आज मुझे दर्शन देके मुझे एकदम प्राप्त कर दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं बागेश्वर धाम आई, अंबरनाथ में उन्होंने आज सबको दर्शन दिए, उसी तरह मेरे भी आज दर्शन। मैम, जो लोग विरोध करते हैं उनके लिए तो देखिए सबकी अपनी अपनी सोच रहती है। हमारी सोच ये है, हम यंगस्टर्स की, कि हम लोग को बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए। डॉली नाम है मेरा, मैं उल्लासनगर से आई हूँ। मैं पिछले बार भी बागेश्वर धाम गई थी, आज यूट्यूब के माध्यम से मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ। मुझे पता चला कि हमारे गुरुजी आज यहाँ पे आ रहे हैं हमको सबको दर्शन देने के लिए, और इसी बहाने मैं भी आज आ गई उनसे दर्शन प्राप्त करने के लिए। पिछली बार जब मैं छतरपुर गई थी उनके बागेश्वर धाम में, तब मुझे वहाँ पर उनका दर्शन बहुत अच्छे से हुआ था, लेकिन आज मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि आज मेरा अंबरनाथ में दर्शन हो गया। उन्होंने मेरी अर्जी लगा दी, अर्जी में मुझे वहाँ पर जो मेरी समस्या थी मुझे सब बता दिया उन्होंने। इसी तरह जैसे मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप सब बागेश्वर धाम से जुड़े रहें। बोलिए जय सीताराम। मैम, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है, मैं कुछ बुटीक चलाती हूँ, आई एम अ फैशन डिजाइनर। और कितना पढ़ाई किया हुआ? मेरा एम कॉम किया हुआ है। तो मैम, जैसे आप जैसे ब्यूटी विथ ब्रेन लोग जो मतलब बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं, तो आप क्या देखा, आपने क्या रियलिटी चेक करा तब जाके आप जुड़े? आज मैंने देखा कि हम लोग इसी तरह जैसे हम लोग जिस दैट आई एम इन अ फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड, सो हम लोग देखा कि हम लोग नए नए ड्रेसेस को या नए नए हम लोग अपने कपड़ों को पूरा इन्वेंट कर सकते हैं, पूरा दिखा सकते हैं कि हम लोग पूरे नए नए स्टाइल्स वगैरह हम लोग शो कर सकते हैं। तो जैसे आज उन्होंने मतलब आपकी आपका पर्चा भी बना, क्या बताया? उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आपके बिजनेस के लिए, या मुझे जो भी जैसे थी मेरी शादी से लेके, मुझे सब तरह से उन्होंने आज मुझे दर्शन देके मुझे एकदम प्राप्त कर दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं बागेश्वर धाम आई, अंबरनाथ में उन्होंने आज सबको दर्शन दिए, उसी तरह मेरे भी आज दर्शन हो गए। तो जैसे आपका जब पर्चा बन रहा था, उससे पहले आप किसी वॉलंटियर या फिर धाम के किसी व्यक्ति से मिली या फिर बताया? नहीं नहीं, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। मेरे सीधा जैसे दर्शन, जैसे मेरी अर्जी लगी, मैं सीधा वहाँ पर गई, बाबा जी गुरु जी ने मेरे को सब बता दिया। बाकी मेरी कुछ मैंने वहाँ पे किसी को बताया नहीं था। किसी से बातचीत नहीं, मैंने किसी से कुछ बातचीत नहीं की थी। बागेश्वर धाम गए हैं? हाँ, मैं छतरपुर होकर आई हूँ, बागेश्वर धाम भी होकर आई हूँ, उनसे मेरे दर्शन भी हो चुके हैं। तो वहाँ पे आपको क्या रियलिटी, क्या चीज़? जी हाँ, उनकी रियलिटी है, उन्होंने जिस तरह से सबको आशीर्वाद दिए, जिस तरह से उन्होंने पर्चा बना के जिस सब बोला, वो सब एकदम सही है। एंड आई एम वेरी 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 कि भाई मुझे बहुत ये सब रियल लगा। तो जैसे जो आपका पर्चा बना, उसमें कुछ समथिंग समथिंग चीज़ें लिखी हुई थी, या जो आपके एज इट इज़ आपके मन में था वही लिखा हुआ? नहीं, जो मेरे मन में था एज इट इज़, जो मुझे चाहिए थे, जिस वजह से आज मैं यहाँ पर आई थी, उन्होंने वो सब चीज़ें मुझे बोल दी सेम एज इट इज़। बिल्कुल आप सेटिस्फाइड? बिल्कुल, मैं सेटिस्फाइड हूँ, उनका दर्शन मिला मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड। आपको मैम मतलब क्या लगता है, जैसे आप जैसा यूथ महाराज श्री के साथ जुड़ रहा है, तो क्या रीज़न समझ? हाँ, मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि आप सबको इस बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए। जुड़ना तो चाहिए, क्या क्वालिटी देख के आप जुड़े या लोग जुड़ रहे हैं? लोग भी जुड़ रहे हैं, हम भी जुड़ गए हैं, पर हम तो जुड़ गए तो हम भी सबसे यही अपेक्षा रखेंगे कि आप सब भी इस बागेश्वर धाम से जुड़े रहें। और मैम, जो लोग विरोध करते हैं उनको? उनके लिए तो देखिए सबकी अपनी अपनी सोच रहती है। हमारी सोच ये है, हम यंगस्टर्स की, कि हम लोग को बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए। कुछ लोग बोल देते हैं अरे ब्रेन वॉश हो जाता है इसलिए जुड़ बट ऐसा सबकी अपनी अपनी सोच रहती है, लेकिन मेरी सोच ये है कि मुझे बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए। आपको यहाँ पे सब रियलिटी लगा? जी, मेरे को सब यहाँ पे रियलिटी लगा, सब रियलिटी। बागेश्वर धाम से जुड़े रहेंगे। जय सीताराम, जय सीताराम। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच।